एक्शन मोड में सीएम तीरथ सिंह रावत, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में नई कोरोना गाइडलाइन जारी, शादी में 200 लोग ही हो सकते हैं शामिल, हर हॉल में मास्क पहनना जरूरी। महाकुंभ में कोरोना, 5 दिन में मिले 1899 संक्रमित, मेला प्रशासन ने भी कोविड नियमों के पालन करने के दिए आदेश। कोरोना संक्रमण फैलने से तेजी से बढ़ रहे सक्रिय मरीज, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश में है सिर्फ 724 वेंटिलेटर। उत्तराखंड में फिर शुरू हुई बाबा बर्फानी की यात्रा, 10 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन को लोगों में उत्साह। उत्तराखंड में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 1334 नए संक्रमित मामले, 7 मरीजों की हुई मौत। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार में, उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई संतों में संक्रमण का बड़ा खतरा सामने आया है। कल शाही स्नान में उड़ी थी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। महाकुंभ पर कोरोना भारी, हरिद्वार उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। कल शाही स्नान में उड़ी थी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। महाकुंभ से संबंधित खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कोरोना की गाइडलाइन को तोड़ा गया। हरिद्वार में महाकुंभ का दूसरा स्नान संपन्न, कई संतों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। कल शाही स्नान में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी थी। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर महाकुंभ पर कोरोना का कहर जारी है, कई संतों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, जहां निरंतर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कई संतों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। शाही स्नान में कल उड़ी थी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। हरिद्वार के महाकुंभ में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी थी, जिसके चलते संक्रमण ने और रफ्तार पकड़ ली है। एक के बाद एक संत संक्रमित होते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर महाकुंभ पर भारी कोरोना, और इसी खबर को लेकर हमारे साथ ओम प्रयाग और अशोक कुमार जुड़े हुए हैं। जी ओम प्रयाग जी, जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, आने वाले जो तीसरा शाही स्नान है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, हाल ही में हरिद्वार में 12 अप्रैल का जो शाही स्नान हुआ है वो संपन्न हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये थी, जिस तरह सरकार और जो प्रशासन है, जो मेला प्रशासन है, वो यहाँ पे कई दावे कर रहे थे कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन यहाँ पे किया जाएगा, एसओपी भी महाकुंभ के लिए लाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये थी कि पूरे महाकुंभ में जिस तरह से साधु संत महात्मा या फिर कोई अन्य जो श्रद्धालु जो हरिद्वार पहुंच रहे थे, कोरोना के गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन यहाँ देखने को नहीं मिला। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार पहुंच रहे थे, तो कहना की देखने वाली बात ये थी कि जिस तरह से
मेला प्रशासन पुलिस भी जगह जगह तैनात किए गए थे, तो तमाम चीजें थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये थी कि इस तरह से कोरोना की गाइडलाइन की यहाँ धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही थी, और जिस तरह से कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं साधु संत भी इसकी चपेट में आ चुके हैं और आगे आने की आशंका भी है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि हरिद्वार का कुंभ, जिसके लिए सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि हरिद्वार का जो कुंभ है महाकुंभ है, इसको दिव्य और भव्य बनाना है। साथ ही साथ आपको बता दें, सरकार का कहना था कि जो भी व्यक्ति हरिद्वार आए वो एक अच्छी तस्वीर लेकर जाए, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये मिल रही है कि जो भी व्यक्ति हरिद्वार आएगा वो साथ में कोरोना लेकर जाएगा। तो देखने वाली बात ये, इस तरह से हरिद्वार में लगातार तो शाही स्नान पर लगातार जिस तरह से कोरोना की धज्जियां उड़ाई गई, जो कोरोना की जो गाइडलाइन थी उसका बिल्कुल पालन यहाँ देखने को नहीं मिला। ना 2 गज की दूरी थी, ना किसी के मुंह पर मास्क था, ना ही कोई यहाँ पर दूरी बनाकर चल रहा था। तो कहना कि ये जो इस तरह से शासन और प्रशासन जो मेला प्रशासन ने कहीं दावे किए थे, तो सभी दावे जो हवा हवाई हुए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरह हो गई थी। जो मेला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा था कि जिसको ऋषिकेश देहरादून या बिजनौर जाना है वो बाईपास होकर जा सकता है, लेकिन सभी रास्ते यहाँ बंद थे, लोग यहाँ दिन भर परेशान रहे। तो कहना कि देखने वाली बात है, जो यहाँ पे जवान जो यहाँ पे तैनात किए गए थे यातायात की व्यवस्था के लिए, मीडिया कर्मी समेत अन्य लोगों से अभद्रता भी देखने को यहाँ मिली है। कई मीडिया कर्मियों की गाड़ियों पर उन्होंने डंडे बरसाए, उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है। तो कहना कि लोग भी इस चीज से परेशान हुए हैं, कई लोगों के जो सर में डंडे वंडे लगने से कई लोग भी यहाँ पर घायल हुए। तो देखने वाली बात यह है कि साफ तौर पर जो शासन और प्रशासन ने जो दावे यहाँ पर किए थे वो बिल्कुल हवा हवाई नजर आए। साथ ही कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन भी यहाँ देखने को नहीं मिला। हालांकि कल जो 14 अप्रैल को जो यहाँ पर हरिद्वार में जो एक बड़ा महाशाही स्नान होना है, क्योंकि माना जाता है कि जो 14 अप्रैल का जो यहाँ जो हरिद्वार में जो महाकुंभ में जो शाही स्नान होना है वो महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान होगा। इस पर तमाम साधु संत महात्मा, चाहे वो अखाड़े के हों या फिर किसी आश्रम के हों, सभी साधु संत महात्मा यहाँ पर शाही स्नान करेंगे। शंकराचार्य जो सरस्वती जी हैं वो भी यहाँ पर शाही स्नान करेंगे। तो तमाम चीजें हैं जो यहाँ देखने वाली है कि 14 अप्रैल को होने वाले महाशाही स्नान पर आखिर किस तरह से जो मेला प्रशासन है वो किस तरह से जो व्यवस्था है उनकी व्यवस्थाओं को ठीक कर पाता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि मारपीट के भी मामले सामने आए हैं, तो क्या मारपीट करने से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, या कहाँ पर ऐसी प्रशासन की चूक रह गई है जिससे इतने मामले बढ़ते जा रहे हैं? यहाँ पर जो 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 यहाँ पे मीडिया कर्मी है, मीडिया कर्मियों के लिए यहाँ पे पास बनाया गया, लेकिन पास दिखाने पर भी इस तरह से जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी लगे हैं उन्होंने पास देखकर भी कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। साफ तौर पर कहा कि आगे एंट्री नहीं मिलेगी। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जो लोग यहाँ पर तैनात किए गए थे, जो यहाँ पे जवान तैनात किए गए थे, उन जवानों ने जिस तरह से डंडे गाड़ी पर बरसाए हैं, तो कहना कि देखने वाली बात है कि ये शासन के ये जो प्रशासन के जो दावे हैं वो हवा हवाई हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो महाकुंभ है, महाकुंभ में शाही स्नान पर किसी को अंदर नहीं जाना दिया जाएगा, सिर्फ साधु संत महात्मा ही अंदर जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो महाकुंभ जो होता है वो श्रद्धालु जो अखाड़ों से सब साधु संत महात्मा निकलते हैं स्नान के लिए, तो एक उनकी भव्य पेशवाई भी निकलती है। तो उस पेशवाई को देखने के लिए, संत महात्मा का आशीर्वाद लेने के लिए लोग भी कई जगह उनके दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। शाही स्नान उसके बाद जो साधु संत महात्मा है वो शाही स्नान करते हैं। तो कहना कि देखने वाली बात है कि जो यहाँ पर जो यातायात की व्यवस्था थी पूरी तरह चौपट थी, ना कोई ऋषिकेश जा पाया, ना कोई देहरादून जा पाया, और ना ही कोई बिजनौर जा पाया। सभी रास्ते यहाँ पर बंद कर दिए गए। हालांकि पहले भी साफ तौर पर कहा गया था कि तो बिजनौर ऋषिकेश और देहरादून जाने के लिए जो चिल्ला में जो रास्ता जाता है वहां से लोगों को जाने दिया जाएगा, लेकिन कहीं भी लोगों को जाने नहीं दिया गया। सभी रास्ते बंद थे, लोगों से अभद्रता के जो मामले जो सामने आए हैं, जो गाड़ी के जो टूटियों के जो मामले सामने आए, तो कहना कि देखने वाली बात है कि जो मेला प्रशासन है वो पूरी तरह से विफल रहा है। तो और सारे साथ आपको बता दें कि लगातार इस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने जिस तरह से कहा था कि हरिद्वार का कुंभ महाकुंभ हरिद्वार का दिव्य और भव्य होगा, साथ ही साथ जो हरिद्वार आएगा वो एक अच्छी तस्वीर लेकर जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि जो भी हरिद्वार आएगा वो कोरोना लेकर जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पर कोरोना की किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं होता दिखाई नजर। जी अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले से ही सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे, निगेटिव रिपोर्ट लाने की मांग भी की गई थी और श्रद्धालु जो हैं अपनी रिपोर्ट निगेटिव लेकर भी गए थे, तो फिर ऐसे मामले कैसे सामने आ रहे हैं?
बिल्कुल वंदना, देखिए जो सवाल आपने मेरे से किया है कि जैसे कि नेगेटिव रिपोर्ट लाना, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाना जो अनिवार्य किया गया है, अगर जिस तरह से अब जो लगातार जैसे कि बॉर्डर सीमाओं की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, रोडवेज की बात करें, वहां पर जिस तरह से यात्री उत्तराखंड राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी जांच भी हो रही है, तो वो एक लगातार जो है बड़ी संख्या में जांच हो रही है, और बड़ी संख्या में जांच होने के चलते जो हमारा जो एक बैकलॉग का जो डेटा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि जैसे बैकलॉग का डेटा जो बढ़ता जा रहा है, उन आंकड़ों के अनुसार जब हमने इसका आंकलन किया तो आंकलन में तकरीबन ये निकल के आया कि अगर 20,000 के आसपास जांच प्रक्रिया होती है तो उसमें से तकरीबन 5% है कि जो कि कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, यानी कि तकरीबन 2,500, 2,000, 1,300, 1,400 जो कि रिपोर्ट अब रोजाना सामने आ रही है। बीते 48 घंटों की अगर हम बात करें तो 1,333 मामले एक दिन सामने आए, और कल की 24 घंटे से पहले की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में 1,334 मामले सामने आ चुके हैं। इन सब बातों में यह बात एक शेष है कि देहरादून पहले पायदान पर रहा है और दूसरे पायदान पर हरिद्वार रहा है, लेकिन जिस तरह से कल सोमवती अमावस्या के मौके पर दूसरा शाही स्नान हुआ है, और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए अपने आप में नियमों का पालन करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था। हम यहाँ पर यह नहीं कह सकते कि प्रशासन की कहीं ना कहीं से और से लापरवाही बढ़ती गई है, क्योंकि कल सबसे बड़ा जो बात है देखा जाए तो संतों का जो शाही स्नान होना था, जिसका प्रशासन का पूरा फोकस था कि इसको किसी तरह से सफल बनाया जाए, और हमने जितने भी आचार्यों से बात किया तो सबका यही कहना है कि मेला प्रशासन द्वारा जो भी तैयारियां की गई है वो बहुत ही अच्छी थी। हालांकि जो श्रद्धालु जो अन्य घाटों पर स्नान कर रहे थे उसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में कहीं ना कहीं प्रशासन विफल साबित हुआ है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का जो पालन कराना है वो भी अपने आप में आप बहुत बड़ी चुनौती होता है, जिसके लिए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर रहा, अनाउंसमेंट जारी किए गए। मास्क जो नहीं लगा रहा था उसको तभी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर मास्क लगाता नहीं दिखा गया तो प्रशासन द्वारा उसको टोका भी गया। लेकिन बात यहाँ पर जो कल का फोकस था, जो प्रशासन का मेन फोकस रहा, वो श्रद्धालु संतों का स्नान कराने का, तो कह सकते हैं कि जो कल जो जो मेला प्रशासन था वो पूरी तरह से उनकी पैनी नजर उन स्नान पर बनी हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से आज मुख्य स्नान होना है, बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु स्नान करेंगे, हर की पैड़ी पर भी बहुत बड़ी संख्या में भीड़ होगी, अन्य घाटों पर भी भीड़ होगी, उस पर प्रशासन किस तरह से रोक लगा पाता है, नियमों का पालन करवाने में किस तरह से सफल साबित होता है, ये अभी देखना बाकी होगा। जी वंदना जी, जैसा कि बताया आपने कि घाटों पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तो कितने श्रद्धालुओं को जाने की वन बाय वन करके अनुमति दी गई है? देखिए, तो श्रद्धालु है उसको लेकर जो भी है, क्या अगर हम यहाँ पर जी अशोक, श्रद्धालु को जो भी है एक वहां पर पूरी तरह से कह देगा, क्योंकि कल जिस तरह से जब संतों का स्नान हो रहा था तो उस दौरान बीएसएफ की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी की टीम तैनात थी, ड्रोन से स्पेशली वहां पर नजर रखी जा रही थी। आज जब वहां पर श्रद्धालु वहां पर स्नान करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर भी बीएसएफ की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस बल को टीम को तैनात किया जाएगा। बात वही है जैसे मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं, मास्क हर किसी के चेहरे पर है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, क्योंकि इस बार स्पेशली कोविड के चलते जो कल जुलूस निकला तो उसको लेकर भी मेला प्रशासन द्वारा एसओपी जारी की गई, एक आदेश जारी किया गया जिसमें कि इस बार की जुलूस की जो जुलूस है उसको लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कहीं फेरबदल किया गया। वहीं आज जब श्रद्धालु स्नान करेंगे तो उसको लेकर भी उनके बीएसएफ और पुलिस प्रशासन के निगरानी में ही ये स्नान होना है, और ये नहीं लेकिन अभी कहा जा सकता कि कितने श्रद्धालु एक बारी में स्नान करेंगे। लेकिन एक बात है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके हैं और आज बड़ी संख्या मुख्य स्नान होना है, क्योंकि कल फिर से तीसरा शाही स्नान होने जा रहा है और तमाम 13 के 13 अखाड़े शाही स्नान करेंगे, और जब तक सभी संत स्नान करेंगे तब तक के श्रद्धालुओं को मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए और कल जिस तरह से हमने देखा दूसरा सोमवती अमावस्या के मौके पर दूसरा शाही स्नान था, तो कहीं ना कहीं हर की पौड़ी पर जो श्रद्धालु है वो कहीं ना कहीं बेताब हो गए थे स्नान करने के लिए, लेकिन जितनी भी पुलिस फोर्स यहाँ पर और जितनी भी बीएसएफ की फोर्स यहाँ पर तैनात थी उन्होंने उनको हर की पौड़ी पर जाने नहीं दिया, क्योंकि सुबह 7 बजे के बाद से यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया गया था और शाम तक जब तक के संतों का स्नान नहीं हुआ तब तक उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई।
जिसके चलते एक ये बात साफ हो जाती है कि आज मुख्य स्नान है और आज इस मुख्य स्नान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर कहीं ना कहीं जिस तरह से नियमों में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई, कहीं ना कहीं लापरवाही थोड़ी बहुत दिखाई दी, वही लापरवाही अगर आज भी दिखाई देती है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो संक्रमण का आंकड़ा है हरिद्वार का वो तेजी से नहीं बढ़ेगा। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अब जो हरिद्वार दूसरे पायदान पर चल रहा है वो पहले पायदान पर ना आए। जी वंदना, जिस तरह से कल तस्वीरें देखी गई उसको देखते हुए आने वाला जो तीसरा शाही स्नान है इस पर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्या उससे कुछ सीख ली गई है? देखिए वंदना, जिस तरह से कल जो तीसरा शाही स्नान होना है उसको लेकर, क्योंकि वो शाही स्नान है और तमाम जो अखाड़े हैं 13 के 13 अखाड़े वो स्नान करेंगे, उसको लेकर जो बात की जाए सुरक्षा की, तो स्नाइपर की निगरानी में कल का जो शाही स्नान होना है स्नाइपर की निगरानी वहां रखी जाएगी और जो बम निरोधक की जो टीमें हैं वो भी तैनात होंगी और जो डॉग स्क्वाड की जो टीमें होती है वो भी तैनात वहां पर किए जाएंगे। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जहां कल जो सोमवती अमावस्या के मौके पर जो दूसरा शाही स्नान हुआ है जहां कहीं ना कहीं प्रशासन की जो चूक हुई है उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं जो कल तीसरा शाही स्नान होना है उस पर भी काम किया जाएगा कि जिस तरह से जो तीसरा स्नान होना है जो गलतियां दूसरे शाही स्नान में हुई है थोड़ी बहुत जो चूक हुई है उसको सुधारा जा सके और जो शाही स्नान तीसरा कल होना है उसको सफल बनाया जा सके। जी जी ओम प्रयास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल तीसरा शाही स्नान है जिसको देखकर शासन और प्रशासन सख्त तो है लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था की क्या हाल है? देखिए हम बात करें कल होने वाले शाही स्नान की, तो कल 14 अप्रैल कल 14 अप्रैल को हरिद्वार महाकुंभ का महाशाही स्नान है। माना रजिस्टर आपको बता दें कि जो 14 अप्रैल का जो शाही स्नान है वो सबसे बड़ा महाकुंभ का स्नान होना है। तमाम लोग यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो हरिद्वार में जो अन्य जो घाट बने हैं, चाहे वो नीलधारा टापू पर बने हों, सर्वानंद घाट हो, पर्व प्रेम चौक घाट हो, या फिर तमाम जो घाट जो हरिद्वार में जो बने हैं वो यहाँ पर जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है वो यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड समेत जो अन्य जो घाट हैं, जो सभी घाट है ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी पर, वहां पर जो साधु संत महात्मा है 13 अखाड़ों के जो साधु संत महात्मा है वो यहाँ पर स्नान करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले इस तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहना कि देखने वाली बात है कि आखिर इस तरह से हम कल की शाही स्नान की बात करें तो कल शाही स्नान में ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और ना ही मास्क दिखाई दिया, तो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर लगातार जो प्रशासन है वो भी लगातार इस तरह से प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो जो जुलूस निकलने हैं, जो अखाड़ों से जब संत महात्मा शाही स्नान के निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें इस एसओपी में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज किया है, तो कहने की देखने वाली बात है कि कल जो शाही स्नान होना है आखिर किस तरह से कोरोना के बढ़ते कदमों को रोका जा सके, तमाम चीजें इसमें रहने वाली हैं, चाहे इसमें ड्रोन से चाहे इसमें निगरानी रखनी हो या फिर तमाम चीजें हो इसमें सब रहने वाली हैं। लेकिन हम रस्ताओं की बात करें तो जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार में नहीं आ सके, लेकिन जो सबसे बड़ी जो दुविधा की बात है कि जिस व्यक्ति को हरिद्वार से होकर ऋषिकेश जाना है, देहरादून जाना है, फिर बिजनौर जाना है, तमाम जगहें ऐसी हैं जहां पर लोग जाना चाहते हैं, तो वो कल नहीं जा सकेंगे क्योंकि सारे जो एंट्री पॉइंट्स थे वो पुलिस प्रशासन द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि 12 अप्रैल को सारे जो एंट्री पॉइंट्स थे वो बंद थे, लोग शाम तक परेशान होते रहे, किसी को एम्स जाना था तो किसी को कहीं हायर सेंटर रेफर किसी को किया गया था, तो हम बात करें तो एम्बुलेंस तो लगातार चल रही थी, लेकिन किसी को अगर स्वयं अगर हॉस्पिटल जाना हो तो उसके लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। जो पुलिस कर्मी या फिर जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात थे साफ तौर पर उनका कहना था कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, और साथ साथ उनकी जो अभद्रता सामने आई है कि मीडिया कर्मियों की गाड़ियों पर डंडे बरसाए हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग जो लोग यहाँ पर चोटिल हुए हैं, तो देखने वाली बात है कि आखिर कल जो शाही स्नान जो होना है उस पर व्यवस्थाएं क्या रहने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो जो मेला प्रशासन है उसको सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जी जिस तरह से कोरोना हावी हो रहा है और आज नवरात्र का पहला दिन भी है, तो मंदिरों की क्या स्थिति है? जो मंदिरों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी क्या उसको फॉलो किया जा रहा है? जी ओम प्रकाश जी,
जी ओम प्रयास जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अशोक कुमार जी, क्या नवरात्र का आज नवरात्र का पहला दिन है, इसको लेकर मंदिरों में क्या व्यवस्था की गई है? जो गाइडलाइन जारी की गई थी, क्या उसको पालन किया जा रहा है? बिल्कुल वंदना, आपको बता दूं नवरात्रे आज से शुरू हो चुके हैं। माँ शैलपुत्री का आज पहला नवरात्रा है और मंदिरों की अगर अब बात की जाए तो प्रशासन के लिए यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ कुंभ है हरिद्वार की, जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक तरफ महाकुंभ का स्नान आज मुख्य स्नान है, कल तीसरा शाही स्नान है, तो दूसरी और अब जो श्रद्धालु है नवरात्रों के समय में बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि माँ चंडी देवी का मंदिर भी यहाँ पर है, तो जिसके चलते जो गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे लगातार मैं आपको बताता आ रहा हूँ, वहां पर ये इंतजाम पूरी तरह से प्रशासन द्वारा कर दिए गए हैं। मास्क वहां पर मुख्य जो गेट है मंदिरों के, जो गेट है मुख्य गेटों पर ही मास्क और सैनिटाइजर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जो भी भक्त अगर आता है सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर दे, मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जो भी लोग कोरोना की जो गाइडलाइंस है, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पे मास्क लगाना और 2 गज की दूरी रखना, वो जो नियम है उसका पूरी तरह से पालन करना होगा, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां कर ली गई है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये खड़ा होता है कि प्रशासन द्वारा जो तैयारियां की गई हैं वो कितना सफल साबित हो पाती है। आज पहला नवरात्रा है और जाहिर सी बात है कि हर पहले नवरात्रे पर भक्तों की जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में होती है। ऐसे में एक तरफ महाकुंभ हो रहा है और दूसरी तरफ नवरात्रे आज से शुरू हो चुके हैं, प्रशासन द्वारा किस तरह से नियमों का पालन करवाया जाता है अब ये देखने वाली बात होगी। जी वंदना, हर बार हम समस्या की ही बात करते हैं, कोरोना से संबंधित जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है हम उसकी बात करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा समाधान के विषय में भी बात करेंगे। जिस तरह से वैक्सीनेशन लगातार जारी है और उस पर लोग अपनी भागीदारी भी निभा रहे हैं, लेकिन बात अगर हरिद्वार की करें तो हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक की नगरी है, यहाँ पर ऋषि मुनि संतों की नगरी कही जाती है, तो यहाँ पर योग जो हमारे दिनचर्या में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है, योग से इम्यून पावर भी मजबूत होता है, तो क्या आपने संतों और महंतों से ये जानने की कोशिश की कि वो किस तरह की योग जो है वो अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं? देखिए अगर यहाँ पर बात की जाए तो कल जितने भी संतों से और आचार्यों से बात की गई है जिसको लेकर उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पर मेला प्रशासन की बात कही है कि मेला प्रशासन द्वारा जिस जो कल दूसरा शाही स्नान था उसको जो प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई वो काफी अच्छी थी, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उसको लेकर संतों में काफी निराशा साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, और जब से तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली और जिस तरह से जो नियम जो बनाए गए थे उसको कहीं ना कहीं चेंज करते हुए और इसको सफल बनाने की बात कही, क्योंकि सब जानते हैं कि 12 साल बाद महाकुंभ आता है और कहीं ना कहीं इसको लेकर संतों के बीच में काफी उदास थे जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रहे थे। जैसे तीरथ सिंह रावत आते हैं और जिस तरह से फेरबदल किया जाता है तो संतों में भी काफी खुशी का माहौल देखने को मिला, काफी खुशी जाहिर की, जिसके बाद से सभी संतों ने जिससे हमने बात करी जब उनका शाही स्नान संपन्न हुआ तो उन्होंने सबने ये बात कही कि शाही स्नान बहुत अच्छा संपन्न हुआ और तीरथ सिंह रावत के राज में जो नियम बनाए गए उससे हम बेहद ही खुश है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का समय इस समय चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा भी जो तैयारियां की गई है वो बेहद ही महत्वपूर्ण बताई गई है। जी जब प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी हैं, सब तरह के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, तो फिर ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए वंदना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब मामले अभी हमारे पास सामने आ रहे हैं वो हमारे पास एक डेटा बैकलॉग तैयार हो चुका है, अगर हम जांच करते हैं जो जांच की जो रिपोर्ट है वो 2 से 3 दिन में प्राप्त हो पा रही है, तो ऐसे में एक बैकलॉग का जो डेटा है वो बड़ी संख्या में तैयार हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर सीमाओं पर, रेलवे पर, रोडवेज पर लगातार बड़ी यात्री जो उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, और ये जैसे कि जानते हैं कि 12 राज्यों से ये एक नियम तीरथ सिंह रावत द्वारा बनाया कि 12 राज्य से जो भी उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करेगा उसे RT-PCR की रिपोर्ट लाना होगा या फिर जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उसकी भी रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा, अगर कोई नहीं लाता है तो ऐसे में ऑन द स्पॉट ही उनकी जाँच होगी, और ऐसे में बड़ी संख्या में जाँच भी की जा रही है, जिसके चलते जो बैकलॉग का जो डेटा है वो तैयार हो रहा है रोजाना की, इससे पहले भी 18 से 19 साल का बैकलॉग का जो डेटा है वो तैयार हो चुका है, और अब यहाँ पर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी संख्या में तेजी हो चुकी है, क्योंकि जो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो काफी घातक बताई जा रही है,
लेकिन यहाँ पर अगर कहा जा सकता है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार गाइडलाइन से जारी की गई। जी अशोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रयास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। तो हम आपको खबर बता रहे थे हरिद्वार से, जहां पर कोरोना महाकुंभ पर भारी होता नजर आ रहा है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, संक्रमण का खतरा बना हुआ है। इस कोरोना से बचाव के लिए कई सारी गाइडलाइंस भी जारी की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।